समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर नई ऊर्जा से काम करना शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यालय में आते हैं और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों से आए हुए सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अन दिया था कि काफ़ी हद तक जो यादव और मुस्लिम समाज के वोट काटे गए थे उस पर चुनाव आयोग ने एक इनसे जवाब दाखिल मांगा था। उस पर अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि वह 3 तारीख तक अपने यहाँ के जितने भी कटे नाम थे एफिडेविट के साथ उसे पार्टी कार्यालय पर जमा करें। उसी को लेकर यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम पार्टी नेता और अपना अपना जवाब लेकर आ रहे हैं, साथ में एफिडेविट के साथ दिखा रहे हैं कि उनके यहाँ पर 2022 विधान चुनाव में कितने नाम कटे थे। साथ में ही नगर निकाय चुनाव को लेकर भी यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी जितने भी दावेदार हैं नगर निगम चुनाव को लेकर, नगर पंचायत को लेकर जितने भी दावेदार हैं वहाँ सब यहाँ पर टिकट अपना पार्टी का समर्थन पाने के लिए, टिकट पाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अपने साथ में अपने पैरोकार को ला रहे हैं, कोई विधायक के साथ आ रहा है, कोई पूर्व विधायक के साथ आ रहा है। ऐसे में लगातार अखिलेश यादव पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ, महानगर अध्यक्ष के साथ मीटिंग कर रहे हैं और एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं कि ताकि उसे ही टिकट दिया जाए जो चुनाव में जीते। यहाँ पर कल से ही गहमा गहमी पार्टी पर देख सकते हैं आप, पार्टी पर हलचल है, काफ़ी लोग आ रहे हैं काफ़ी। हालांकि अब देखना है, जल्द ही जैसे बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी सम्मेलन करके अपने पदाधिकारियों को भी नगर निकाय चुनाव के लिए आदेशित कर दिया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते समाजवादी पार्टी अभी तक ये सम्मेलन नहीं कर पाई थी। लेकिन अब निधन के बाद में सभी संस्कारों के अंतिम संस्कार के बाद होने वाली सभी परंपराओं के बाद में अखिलेश यादव ने फिर से अपनी मीटिंग अपनी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। साथ में ही गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव को लेकर भी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही। हालाँकि आज वहाँ पर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, परसों 3 नवम्बर को वहाँ पर मतदान होने हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं रमन मिश्रा, न्यूज नशा, लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।